नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा आज ओमान में कितना केस आए पिछले 24 आवर में, अब कितने रिकवरी के मामले दर्ज किए गए, कितने एक्सपायरी हुए। आज बात करूंगा ओमान में कितना मतलब पूरा अपडेट आया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्वीट करी अपडेट दिया। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा आपको मालूम होगा, सबसे पहले अपडेट दे दें कि ओमान की सुप्रीम कमेटी ने तो बहुत ही बड़ा फैसला किया कि आज से सभी सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, नाई का दुकान, ये सब स्टार्ट किया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि सबसे पहले इन्हीं लोगों को दुकान, इन्हीं मतलब नाई हो गया, सैलून हो गया, इन लोगों को सबसे पहले बंद किया गया था, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा इससे इन्हीं लोगों को पड़ा था। तो फाइनली उन सभी के लिए तो फाइनली गुड न्यूज़ आ चुकी है ओमान की सरकार ने दिया। अब बात करते हैं ओमान में पिछले 24 घंटों में केस कितना है, उसकी अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ओमान की अगर जो बात करें पिछले न्यू केस की बात करें तो यहाँ पर 166 नए मामले दर्ज किए गए ओमान में पिछले 24 घंटों में, जो कि काफ़ी कम मात्रा, शुरुआती दिनों में इतना केस आता था। उसी हिसाब से देखा जाए तो जो नाइट का लॉकडाउन किया था ओमान की सरकार ने, वो फाइनली सक्सेसफुल था, क्योंकि केस उसके लॉकडाउन के बाद ही मतलब केस एक बेग डाउन हुआ। नहीं तो पहले कितना आता था, 1000, 1200, 1300, 1600, 2000 भी ओमान में पहुंच चुका था। तो वहीं बात करें अब तक मतलब पिछले 24 आवर में अगर जो बात करें कितने आदमी एक्सपायर हुए, उसकी अगर जो बात करें यहाँ पर, तो आपको बता दें 4 आदमी एक्सपायर हुए पिछले 24 घंटों में, 4 आदमी एक्सपायर हुए इस बीमारी की वजह से। वहीं टोटल केस की बात करें तो यहाँ पे 84,818 आदमी अब तक इस बीमारी का शिकार हुए हैं ओमान में आज तक। वहीं बात कर रहे हैं रिकवरी रेट, तो फाइनली ओमान में रिकवरी रेट जो कि काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि लगातार मतलब देखा जाए तो रिकवरी रेट के मामले में ओमान तकरीबन सबसे नंबर वन पे है। रिकवरी के मामला में देखा जाए तो यहाँ पे 93.6% का रिकवरी रेट चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। टोटल रिकवरी की अगर जो बात कर लें ओमान में कितने आदमी स्वस्थ हुए हैं, उनकी अगर जो बात कर लें तो यहाँ पे 79,409 आदमी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, मतलब ये ठीक हो चुके हैं। बीमारी कितना, 84,818 आदमी मरीज में इसके मरीज थे, इसमें 79,409 आदमी ठीक हो गए, मतलब बस बहुत ही कम मात्रा में इस बीमारी के मरीज बचे हैं ओमान में देखा जाए तो। वहीं बात करें टोटल अब तक ओमान में कितने आदमी एक्सपायर हुए हैं इस बीमारी की वजह से, उनकी अगर जो बात करें तो यहाँ पे 646 आदमी अब तक ओमान में आज तक एक्सपायर हुए हैं, जो कि काफ़ी बैड है। 646 आदमी अपनी इस बीमारी की वजह से दुखद जान गंवा चुके हैं, जो कि काफ़ी बैड है। वहीं आपको बता दें कि ओमान की सरकार लगातार काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन फैसले भी लिए जा रही है, जिस तरह मतलब नाई का दुकान ओपन हुआ और आने वाले वक्तों में और बहुत, क्योंकि लगभग देखा जाए तो हर एक बिजनेस लगभग ओमान में ओपन कर दिया गया है एक हिसाब से। बस मस्जिद हो गया और पार्क हो गया, तकरीबन यही दो चीज़ें बाकी रह गई, नहीं तो सब चीज़ तकरीबन जहाँ तक है ओपन है। एक बचा है मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी बाकी आने वाले वक्तों में हो सकता है कि जिस तरह मतलब ओमान में केस कम होता जा रहा है, उसके बाद हो सकता है मतलब मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चालू हो सकता है आने वाले वक्तों में। ओमान की सरकार ज़रूर इस पर डिसीजन करेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।